ही गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। बैक के ब्लॉक्स में तो गाइस, आज एक चीज का तो मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ अपने ही अपने होते हैं, बाकी तो सब पराए ही होते हैं। वो चीज तो कहानी शुरू से चली आ रही है, जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, कभी कभी तो अपने भी धोखे दे देते हैं। बिल्कुल गाइस, तो बहुत ज्यादा दिल में चुभने वाली बात है, ठीक है। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि यार इतने भी गिर सकते हैं लोग, ठीक है। हम लोग सोचते थे कि यार सबके लिए सब अच्छे हैं, हम लोग जिसके साथ में जब अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो लोग सब अच्छे होते हैं। हम लोगों की सोच पहले ऐसी थी, लेकिन जब धीरे धीरे सब चीज़ें पता चलने लगी ना, तो आज जाके मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम लोग जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, सबसे ज़्यादा खराब और सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाले काम वही करते हैं। तो बात ऐसी है गाइस कि अभी आपको पता है कि हमारे घर के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, सभी हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। तो गाइस, चीज़ें ऐसी है ना, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि कभी हमारे घर के अंदर कोई आए थे थोड़े दिन के पहले, ठीक है। उनकी एज 45 के आसपास है, और मतलब महक के पापा जी के भी अच्छे दोस्त थे, और मेरे पापा के साथ में भी स्कूल टाइम में साथ में पढ़े हुए हैं वो। मतलब पापा सीनियर है और वो उनके जूनियर थे एक तरह से देखा जाए तो। एक ही कॉन्वेंट स्कूल में दोनों पढ़े हुए थे, और सब चीज़ें हमारे साथ में आए, घर पर बैठे चाय वाय पी, बातचीत करी, कुछ महक के फैमिली के बारे में डिस्कशन चला, और इधर हमारी फैमिली के बारे में हम लोगों ने उनको चीज़ें बताई, कैसा रह रही है मैं और सब चीज़ें कैसे कर रही है। तो ये सब चीज़ चल रही थी, अच्छा डिस्कशन चला। उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैक के फैमिली वालों की तरफ से भी बताए कि वो लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब स्पेशली मैक के पेरेंट्स की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि बेटा मैक, तेरे पापा तो तुझे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आज तक तेरी मम्मी ने कभी भी तेरा जिक्र नहीं करा, ठीक है। और जिक्र नहीं करने के साथ साथ में उन्होंने ऐसा बोल दिया, जिस दिन वो चली गई तो उस दिन से मेरे लिए तो मर गई है, ठीक है। तो आज तक उन्होंने कभी भी, तेरे पापा ने भी कभी ऐसी बात नहीं करी और के वो याद करती है उनको, ठीक है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। तो एक चीज़ हम लोगों को थोड़ी सी वहाँ पे बुरा लगा कि यार एक माँ का दिल थोड़ा सा ऐसे कैसे हो सकता, मतलब इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता। वहाँ पे ये चीज़ें हम लोग सोचते थे, लेकिन फिर मैं महक को समझाता था कि महक वो याद तो करते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे, हो उनके सकता है। अंदर की बात क्या है, उनके दिल में क्या चलता है, उनकी बेटी को लेके वो किसी को नहीं पता है, और वो अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, सोच रहे क्या होंगे सोच रहे हैं, वो पता नहीं मेरे पता नहीं, बारे में। ठीक है, लेकिन लेकिन इतना कह सकते हैं कि यार कोई भी माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती है। आज बिल्कुल हमारी माँ को ले लो, लेकिन आज आप लोग देख सकते हो कि महक को कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बेटी बना के रख रखा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऐसी है कि आज कितनी, कोई कोई सी भी माँ हो दुनिया के अंदर, कोई भी माँ हो ना, ठीक है, यार जानवरों में भी इतना तो प्रेम होता है कि अपने बच्चों को कभी भी नुकसान में नहीं देख सकती कोई भी माँ, ठीक है। आज महक उनके लिए इतना रोती है, इतना परेशान होती है, तो कहीं ना कहीं उनके चीज वो भी इतना ही परेशान होंगे, ठीक है। वो हम लोग तो क्या है कि सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ में इतना कनेक्ट है, तो हम लोग आपके साथ में चीज़ें शेयर कर देते हैं, वो किसको अपना दुख दर्द शेयर करने जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। और है और ना, मतलब कोई घर पर भी आता है या फिर रिलेटिव्स वगैरह या फिर वही उनकी बात करो, तो मम्मी मेरी ऐसी है कि कुछ मेरे बारे में बातें नहीं करते हैं। मतलब कुछ के मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी की याद आती है या उसने ऐसा कर लिया, कुछ भी बात, मतलब मेरे लेकर कुछ भी बात वो नहीं करते, मतलब मेरा नाम ही नहीं लेते मुँह पर, पता नहीं अब इतना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और उसको लेके हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट सोचते थे कि यार नहीं, चलो सब ठीक होगा आगे चल के। इतना तो पता चल गया ना कि वो हमारी वीडियोस देखते हैं और साथ में हम लोगों को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। वो आज नहीं तो कल अपने को अपनाने के लिए महक तैयार होंगे, ठीक है। एक ये अंदर ही अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार आज नहीं तो कल, चलो ठीक है यार अपना लेंगे, ठीक है। यही सोचकर यही लाइफ सोचकर चल रही है। लाइफ चल रही थी और अच्छी तरीके से जी रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती है ना जब सामने, कि यार दिल तोड़ के रख देती है बिल्कुल। अभी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चाहते ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं है कि महक और हम दोनों कभी भी उनकी फैमिली से जुड़े, मतलब मेरे पापा या मम्मी मुझसे बात करें, बात मेरे फैमिली करे। मेंबर्स में से ये कुछ लोग कुछ हैं। लोग हैं, अब जिनका नाम मैं रिवील तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग यूँ सोचते हो ना कि यार हमारे पास में कुछ न्यूज़ नहीं आएगी, हमको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सब पता चल जाता है। आज के टाइम में महक के पेरेंट्स को भी पता होगा कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें सबको पता होती सब है आज के पता है टाइम में। और आज हमारी कल, सिटी इतनी तो बड़ी है नहीं कि जिनको पता नहीं चलेगा कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सब कुछ चीज़ें एक दूसरे को सब कुछ पता चल जाती है, ठीक है, किसी के थ्रू पता चल जाती है या फिर कुछ कनेक्शन होते हैं तो पता चल जाता है, पता चल ही जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसी फैमिली के अंदर, अब जिनका नाम तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उन्हीं के फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कभी चाहते ही नहीं है कि महक या मैं उनसे मिले और जुड़े हम लोग वापस से एक दूसरे से।
कभी नहीं चाहेंगे। मतलब उनका उनकी दिमाग सोच में पता है, मतलब मैं के पेरेंट्स में क्या भर रखा है हम लोगों के प्रति, पता है आपको? आज मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ, और उनके दिमाग में पता है हम लोगों के खिलाफ क्या भर रखा है कि यार ये लोगों से अगर तुम बात करोगे ना तो तुम्हारे को समाज से निकाल दिया जाएगा। पहला डर, ठीक है, पहला डर तो ये भर रखा है कि तुमको समाज से बर्खास्त कर देंगे, ठीक है, तुम मुस्लिम नहीं रहोगे, तुम हिंदू बन जाओगे क्योंकि तुमने अपनी हिंदू बेटी को अपनाया, ठीक है, पहला डर उनके दिमाग में ये भर के रखा है, ठीक है। दूसरा डर कि अगर तुम अपनी बेटी से बात करोगे, ठीक है, तो ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, घर छोड़ के जाना मतलब पड़ेगा, ये रिश्ते कॉलोनी सारे तोड़ना रिश्ते सारे पड़ेंगे। खत्म करके जाने पड़ेंगे तुमको, ये परिवार छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज ये कि तुमको यहाँ से जाना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन साथ में तुमको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि अगर तुमने अपनी बेटी से बात करी तो हम लोगों को तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वो जो दोनों होंगे ना तो वो तुम्हारी वीडियो उठा के सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जिससे कि हम सबको पता चल जाएगा कि ये लोग बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इतना बड़ा डर बिठा के रखा है ना गाइस, सच में, मतलब कि ये इसकी वजह से आज 2 साल होने वाले हैं, लगभग मार्च के टाइम में 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट, और 2 साल के अंदर इतना ज्यादा डर बिठा के रखा हुआ है ना, हम लोगों को पता चली ये सब चीजें तो कितना दुख होता है सुन के कि यार वो चाहते तो हैं बात करना, कनेक्ट भी करना चाहते हैं हम लोगों से, लेकिन सबसे बड़ा जो डर है ना, वो 3 डर उनको हमेशा खाते रहेंगे, और कभी इस डर की वजह से वो उभर पाएंगे या नहीं उभर पाएंगे हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। मैं पता है रात को 1:30 बजे रात को सोच रहा था एक चीज कि यार ऐसे भी कैसे कर सकते हैं लोग, कि यार इतना इतना किसी के माइंड में इतना डर बिठा दो, इतनी चीजें बिठा दो, इतना ब्रेन वॉश कर दो किसी का कि यार वो चाहे भी ना तो कुछ सोच ही नहीं पाए, मतलब उसका दिमाग है ना इतना ही रहे कि यार मैं इसके अलावा कुछ हूं ही नहीं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी को स्टार्टिंग से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका उसकी जिस तरह से कंडीशनिंग करी जाती है कि बेटा तू तो ऐसा ही रहेगा वैसा ही रहेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी होगी कभी, रिच एंड पुअर डैड्स, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी बुक है, जो जिसने भी पढ़ी होगी तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि जैसी आप लोग बच्चों की जैसी कंडीशनिंग करते हो, जैसे माहौल में उसको रखते हो ना, ठीक है, चाहे वो रिच फैमिली में रखो या पुअर फैमिली में रखो, तो जैसी कंडीशनिंग आप लोग बचपन से उसकी करोगे वैसी कंडीशनिंग होगी, ठीक है। इसी तरह से इनके पेरेंट्स की भी कंडीशनिंग अभी से ऐसी करना चालू कर दी है लोगों ने कि ताकि अगर वो प्रिपेयर होना भी चाहे ना तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाए, ठीक है, हम लोगों से बात करना भी चाहे ना कि यार चलो ठीक है समय हो गया, आज 2 साल हो गए कंटिन्यू हम लोगों को, महक ने उनको देखा भी नहीं, एक झलक नहीं देखी यार कोई भी। आप खुद सोचो जो हम लोगों से व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, एक चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप एक पल के लिए भी, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए तो चलो ठीक है यार उनको आदत हो जाती है क्योंकि उनको मजबूरी में चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 6 महीने, 1 साल, ठीक है, 1.5 साल, 2 साल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने पेरेंट्स को नहीं देखा होगा आपने, ये बताओ मुझे आप। आजकल तो वीडियो कॉल चल गया तो वीडियो कॉल कर लेते हैं या फिर कॉलिंग पे बात हो जाती है, लेकिन 2 साल हो गए आज एक लड़की को और अपने पेरेंट्स को देखा भी नहीं है, कितना बड़ा दिल है गाइस, मतलब सोच सकते हो ना कि मैं एक कभी कभी बैठ के सोचता हूँ ना कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि यार आज के बाद वो कभी अपने पापा मम्मी को देख ही नहीं पाएगी। अब कुछ लोग आएंगे मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ये बोलने की कि तुमने गलती करी क्यों, अब क्यों याद कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए, हमको पता है, लेकिन मैं उनको एक ही चीज़ बोलूंगा कि गाइस देखो, अगर महक की कहीं और भी जगह शादी होती है ना, कहीं और भी जगह शादी कर लेती महक, तो भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है उसकी कि उसकी लाइफ ऐसी हो जाती, स्पॉइल्ड हो जाती एक तरह से। आज कल रात को 12:30 बजे मुझे महक ने पता है क्या बोला कि सच में बाबू अगर मेरी कहीं और शादी हो जाती ना तो मैं कैसे जीती और क्या करती, कल रात को ही बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, यही बात हम दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, 12:30-1 बजे, कि अगर मेरी कहीं और शादी हो जाती ना तो कैसे जीती आपके बिना, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती हूँ आपके बिना जीने का या फिर कुछ करने का, आज आप मुझे मिले हो ना तो मैं सच में बहुत खुश हूँ, ऐसे ऐसे जब वर्ड्स मैंने सुने ना तो उस कसम से मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एक लड़की के लिए जितना बेस्ट करने की कोशिश करूँ ना उतना कम है मेरे लिए, मुझसे जितना होगा ना गाइस सच में महक के लिए बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और अगर जितने भी ये जो लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं ना कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं, अगर देखा जाए तो हम लोगों को ना पैसा चाहिए ना ऐसा ये सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महक के फैमिली वालों की तरफ से, लेकिन खाली हम लोग इतना चाहते हैं कि यार हम लोगों के पेरेंट्स जो है सब मिल के रहे, ठीक है, महीने में एक बार कॉल भी आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, खाली एक बार एक लड़की अपने माँ बाप को देख लेना, भले दूर से ही देख लेगी तो भी सेटिस्फाइड हो जाता। मतलब गाइस देखो, मतलब एक इंडिया है, ठीक है, एक इंडिया में हिंदू भी रहते हैं मुस्लिम भी रहते हैं,
ठीक है, दोनों मतलब बात तो ऐसी करते हैं जैसे कि हम लोग ऐसा है वैसा है, भाई भाई जैसी बातें करते हैं कि हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं है किसी के भी धर्म को, लेकिन वो लोग है ना ऐसे ही सोचते हैं, मतलब वो हमारे बारे में, मतलब मैं हिंदू बन गई तो इतनी बड़ी इनकी दुश्मन बन गई, मतलब मैं हिंदू बन गई तो इतनी बड़ी दुश्मन बन गई, अगर ये सारे ही हिंदू है तो वो तो सभी दुश्मन है फिर तो। बिल्कुल ना, मतलब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए ना, सोचने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम लोग अगर इस तरह से देखें ना, तो कि अगर एक लड़की यहाँ पे मुस्लिम थी हिंदू बन गई तो इतनी तकलीफ है, तो फिर यार हम लोगों से भी फिर तो तकलीफ तकलीफ होगी होगी आपको ना, फिर तुम ऐसी ना? बातें करते हो भाई भाई वाली तो किस तरह से भाईचारे की नहीं वाली कर बात सकते करें, आप तो लोग फिर ऐसी आप लोग बात बताओ। है। और मैंने एक चीज नोटिस करी, ये लोग जो कमेंट सेक्शन में आते हैं ना कि तुमने तुम्हारे माँ बाप को बहुत दुखी करा है, तुमने तुम्हारे हमारे माँ बाप तो दुखी नहीं हो रहे भाई, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो आप हो रहे हो। ठीक है, आज हमारी फैमिली कितनी खुश है आप लोग वीडियोस के अंदर पता लगा ही लेते हो। ठीक है, मैं की फैमिली वाले भी खुश है, लेकिन उनको तकलीफ देने में कौन आगे आते हैं पता है? यही लोग जो समाज कमेंट्स वाले करते लोग हैं ना, यही जाके उनके घरों में आसपास की कॉलोनी में बातचीत फैलाते हैं कि उनकी लड़की भाग गई, उनकी लड़की ने ऐसा कर लिया। अरे यार, अगर मजहब को धर्म को साइड में रख के हम लोग एक चीज सोचे ना प्यार की, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। ठीक है, सबको अपना वही अपना ना, प्यार मिलने लगेगा ना, तो ये दुनिया फिर वो वाली चीजें हो जाएगी ना कि मतलब सिर्फ प्यार ही दिखेगा उनको। और एक लेकिन सच बात बोलूं, मेरे पापा मतलब कभी भी उन्होंने हिंदू या मुस्लिम में कोई वो नहीं रखा है कि भेदभाव रखा है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स इतने सारे थे हिंदू, और आज भी उन्होंने ना एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि वो छोरी मेरी हिंदू बन गई तो मैं क्यों बात करूं। मेरे बिल्कुल पापा मुझसे अभी भी इतना प्रेम करते जितना पहले करते थे ना, बहुत करते। मुझे मेरी मम्मी का नहीं पता, क्योंकि मेरे मम्मी मम्मी की कुछ बात ही मेरे पास नहीं आती है, मेरे पापा की मुझे बात के लिए पापा तुझे बहुत प्यार करते और अभी भी तुझे याद करते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। बिल्कुल, मुझे मेरे मम्मी पापा से मतलब है, मुझे दुनिया से कोई मतलब है नहीं। लेकिन इन लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करके हम लोग बोलना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे करके आप अपने घर की शांति भंग मत करो। ठीक है, वो ऊपर वाला देखता है। आप लोगों को पता होगा कि एक कहावत है कि कर्म हमेशा लौट के आता है वापस से। आप जैसा जिसके साथ में करोगे ना, वैसे ही चीजें आप लोगों के साथ में होगी। इसलिए अच्छी अच्छी चीजें करो। ठीक है, मंदिर में सामने करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मंदिर सामने है और कुछ भी बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी सारी चीजें सच है। आप लोग अगर किसी के साथ में बुरा करोगे ना, तो आप लोगों के साथ में वो चीजें लौट के आएगी। इसलिए पहले अपने घर को देखो, ठीक है, और बाद में दूसरों के घर में आग लगाया करो।